हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे 10th की 29th क्लासेस हो चुकी हैं। ये हमारी 30 क्लास है। इसमें हम पास सिंपल टेंस और इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के दोनों हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ब दोनों वाले स्ट्रक्चर देखेंगे और दोनों में ही क्या आएगा, नोट आएगा। चलिए स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। WH वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए दूसरा देख लेते हैं। इसमें और इसमें जैसे कि आपको पता है, सिर्फ इतना सा फर्क आता है कि इसमें WH वर्ड आएगा और इसमें नहीं आएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। और आपको ये भी पता है कि नोट कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या श्रीमान हिल ने विक्रयकर्ता की सहायता नहीं की, तो इसमें वर्ब क्या होगी, वर्ब होगी इसमें सहायता करना, तो सहायता करने को बोलते हैं हेल्प। एंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो सहायता कौन कर रहे थे, मिस्टर हिल, तो मिस्टर हिल हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। एंड तीसरा काम हमारा स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा हिंदी वाला जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसमें हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाला। चलिए तो क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर फॉलो, हाँ सॉरी, हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। तो पहले हम क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नॉट आता है, तो नॉट लिख दिया। फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हमने मिस्टर हिल लिख दिया, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हेल्प की हेल्प ऐसे की ऐसी। एंड फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, विक्रयकर्ता द सेल्स मैन, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने उत्तर नहीं दिया, चलिए तो इसमें वर्ब क्या होगी, उत्तर देना या देना, तो देना जो है वर्ब हो जाएगी, तो देने को बोलते हैं गिव। और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, इसमें जो ये क्वेश्चन वर्ड है वही क्या है, इसमें सब्जेक्ट है हु, ठीक है, क्योंकि जो दे रहा है वही उसी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए हु क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। चलिए तो पहला क्वेश्चन वर्ड क्या लिखेंगे हम, हु, किसने या कौन, कौन उत्तर, किसने उत्तर दिया, ठीक है ना, कौन दे रहा उत्तर, हु, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, हु। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड, एंड नॉट आ जाएगा। अब क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, तो हमने सब्जेक्ट तो यही लिख दिया, सब्जेक्ट इसमें मिस है, या कह सकते हैं वो WH वर्ड है, तो हमने पहले ही लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव हो गई, और ऑब्जेक्ट क्या है, आंसर, जो दिया जा रहा है वो क्या था, आंसर था, तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह सत्य क्यों नहीं बोली, तो वर्ब क्या हो जाएगी इसमें, बोलना, बोलना काम हो रहा है, तो बोलने को बोलते हैं स्पीक। और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कौन बोल रही थी, वह बोल रही थी, तो शी। फिर स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि यह जो सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे हम, WH वर्ड वाला करेंगे। और इसमें WH वर्ड क्या है, क्यों, तो क्यों को क्या बोलते हैं, बाय बोलते हैं, तो हमने लिख दिया बाय। फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट आ गया, फिर सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट शी आ गया, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, स्पीक लिख दिया, और फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो क्या बोल रही थी वो, सत्य बोल रही थी, सत्य को बोलते हैं ट्रुथ, तो ट्रुथ आ गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।